हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं लीना वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज की करंट अफेयर्स की वीडियो शुरू करने से पहले मैं टूवर्ड्स मोटिवेशन के लिए बोलना चाहूँगी। बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए, बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए। ज़िंदगी तो मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमां हमारे रास्तों को, रोके अगर आसमां हमारे रास्तों को, तो तैयार हो जाओ आसमां झुकाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। अमेरिकी संस्था पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अध्ययन के मुताबिक भारत किस वर्ष में दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश हो सकता है? तो 2050 में भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान और अमेरिका 4 सितंबर 2018 को किस देश की अगुवाई में आतंकी संगठन तालिबान के साथ होने वाली शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे? तो रूस के साथ। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं दमित्री मेदवेदे। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो ईरान द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम है कौसर। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। ईरान की संसद का नाम है मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं सिंडिकेट नाम से कॉलम लिखने के लिए प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कुलदीप नैयर हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार थे और सिंडिकेट नाम से कॉलम लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो वो है शार्दुल विहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको UEFA 2018 का अध्यक्ष का पुरस्कार मिलेगा? तो डेविड बेकहम को ये पुरस्कार मिलेगा। UEFA की फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अलेक्जेंडर सेफरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वाटर कलर त्यौहार का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड के रांची में ये आयोजन किया जाएगा। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड की लार्जेस्ट सिटी है जमशेदपुर। झारखंड की पॉपुलेशन रैंक है 14। झारखंड की एरिया रैंक है इंडिया में 16। झारखंड के CM हैं रघुवर दास। झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस लघु वित्त बैंक ने ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है? तो उज्जीवन SFB ने ये सुविधा शुरू की है और इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। और इसके अध्यक्ष हैं या फाउंडर हैं समित घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में अंकिता रैना ने कौन सा पदक जीता है? तो अंकिता रैना ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये काठमांडू में आयोजित होगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। बिम्स्टेक एक ऐसा संगठन है जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास के, इसमें 7 देश शामिल हैं। तो देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया,
म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से विकसित हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक की सीएम है HD कुमार स्वामी। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शहद के मानकों को निर्धारित किया है? तो FSSAI ने शहद के मानकों को निर्धारित किया है। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक वेतन पाने वाले अभिनेताओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इस सूची में शीर्ष पर रहे हैं जॉर्ज क्लूनी, और इस सूची में भारत के अक्षय कुमार 7वें नंबर पर रहे हैं और सलमान खान इस सूची में 9वें नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय का पुनः प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो अरुण जेटली जी ने ये प्रभार पुनः ले लिया है, और इससे पहले ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया था पीयूष गोयल जी को।